गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मधुमिता, आज मैं शेयर करूंगी कॉटन मलमल साड़ी। इसके पहले भी मैंने एक कॉटन मलमल साड़ी की हॉल वीडियो मैंने शेयर किया। आज भी बहुत ही अच्छे कलेक्शन है और समर स्पेशल है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन जाने से पहले मेरे वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, और इस टाइप का वीडियो आप देखना पसंद करते हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करके ऑल करके रखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मेरे पास जितनी भी ब्यूटीफुल कॉटन साड़ी की कलेक्शन है सभी मैंने मीशो से परचेस किए थे। सभी परचेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर चेकआउट कीजिएगा। और मेरे पास पिछले वीडियो में कमेंट्स आए थे, मैं कैसे कॉटन साड़ी की मैं देखभाल करती हूँ, कैसे वॉश करती हूँ, इसके बारे में भी मैं बात करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते। फर्स्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ब्यूटीफुल इसके कलर कंट्रास्ट और जयपुरी हैंड ब्लॉक प्रिंट साड़ी, बकरू प्रिंट है इसमें। चलिए खोल के देखते हैं। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है सच में। देखिए, साड़ी के बारे में भी एक बार बता दूँ, जो मेरे पास साड़ी के जो कलर है ना, जो इमेज में मैं दिखाऊंगी उससे थोड़ी अलग टाइप की मेरे पास रिसीव हुई है। इस मेरे पास रेड के साथ कलर कंट्रास्ट में है, वहाँ पे रेड नहीं है, मैरून भी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो साड़ी आई है ना, डिज़ाइन सब कुछ सेम ही है लेकिन अंदर में कलर रेड के साथ आई है। और आज मेरे पास जितनी भी साड़ीज हैं ना, सभी ट्रेडिशनल प्रिंट की साड़ी है। देखिए इसके पल्लू से स्टार्ट करते, इसके पल्लू देखिए बहुत खूबसूरत इसके पल्लू है। इसका प्रिंट देखिए, मुझे तो बहुत ही पसंद आती है, इस टाइप की प्रिंट है इसमें। इस टाइप के आपको एक बॉर्डर भी मिल जाती है, चौड़ा सा बॉर्डर मिल जाएगी और नीचे की तरफ भी आपको सेम टाइप की बॉर्डर मिल जाएगी। देखिए मैं इसके बारे में बता रही थी, जो प्रिंट है सेम ही है, डिज़ाइन पैटर्न सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे ना रेड कलर मेरे के पास आई है। मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है इसका प्रिंट, रेड के साथ कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अच्छी लग रही है। आप देखो साड़ी अच्छी लग रही है मुझे, जो प्राइस है उसमें साड़ी अच्छी लग रही है। मैंने इसके पहले भी मैंने बाय किया तो जो प्राइस है उसके हिसाब से मुझे साड़ी अच्छी लग रही है। देखिए यहाँ तक पल्लू मिल जाती है और अंदर आपको पूरा ऐसे ही प्रिंट मिल जाएगी, पूरा साड़ी में आपको सेम टू सेम मिल जाएगी। 5.5 मीटर की साड़ी है और 80 सेंटीमीटर तक आपको ब्लाउज पीस मिल जाती है। देखिए और साड़ी की विड्थ भी अच्छी है। देखिए साड़ी की क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, टच करके अच्छी लग रही है, और पीछे की तरफ आपको सॉलिड कलर में ब्लाउज पीस मिल जाती है, पूरा ब्लैक के साथ ब्लाउज पीस मिल जाती है। भी कॉटन मलमल फैब्रिक है, प्योर कॉटन है, मलमल फैब्रिक है इसकी। देखिए ओवरऑल साड़ी मुझे पसंद आई है, इसके कलर कंट्रास्ट भी अच्छी लग रही है रेड के साथ। मेरे पिक्चर के साथ इसकी थोड़ी सी मैच नहीं होगी जो मैंने ऑर्डर दिए थे, लेकिन मुझे पसंद आई है। जो प्राइस है उसके हिसाब से मुझे अच्छी लगी, इसकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी, अच्छी है। आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और देखिए कोई भी कॉटन की साड़ी आप परचेस करते हो ना, तो आप सोच लो उससे थोड़ा बहुत तो कलर निकलेगी, इस सोच के आप बाय करना। और कोई भी साड़ी के कलर नहीं छोड़ते हैं तो आप समझ लेना बहुत लकी हो आप। और कुछ कुछ साड़ी रहती है जो जिसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा रहती है, उसमें कलर नहीं छोड़ती है, लेकिन जो प्राइस है तो बताना मुश्किल हो जाएगी इसके कलर छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी। और इसकी गारंटी तो जो मैन्युफैक्चर है वही दे सकती है, लेकिन बहुत ही अच्छी लग रही है साड़ी की जो प्रिंट है। देखिए मैं बताऊँगी, आप इस सेट के प्रिंट के बारे में और भी प्रिंट आप देखना चाहते हो तो आपके फेयर आती है, जो मेले आती है ना, वहाँ पे आप जरूर जाइएगा, जहाँ से पूरा इंडिया से हर एक स्टेट से बहुत सारे साड़ी आती है ना, वहाँ पे आपको बहुत सारे कलर डिज़ाइन और क्या क्या ट्रेडिशनल प्रिंट है सब कुछ देखने को मिल जाए। तो ओवरऑल साड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, आप चाहो तो इसे भी ले सकते हैं। दोस्तों आज जितनी भी साड़ी मैं शेयर करूँगी इसके साथ मेरे जो पहले मैंने लिए थे साड़ी को भी मैं शेयर कर दूंगी, वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, तो आप को पसंद आती है तो आप ले सकते हो उसे भी। देखिए ये भी बहुत ही अच्छी कलर कंट्रास्ट के साथ, ये भी जयपुरी साड़ी है, बहुत खूबसूरत है इसके कलर कंट्रास्ट, बहुत ही अच्छी साड़ी है। चलिए खोल के देखते हैं।
देखिए इसके पल्लू अलग से कुछ भी नहीं है, पूरा साड़ी में आपको सेम ही प्रिंट मिल जाती है। थोड़ा सा आपको ऐसे व्हाइट में मिल जाती है, पल्लू के साइड पे आपको मिल जाती है। और इसके अंदर प्रिंट देखिए इसी टाइप के फ्लावर टाइप के प्रिंट है, और बहुत ही स्वीट सा पिंक कलर है इसकी। इसकी जो कलर कॉन्ट्रास्ट है मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, और 5.5 मीटर की साड़ी मिल जाएगी, और 80 सेंटीमीटर तक आपको ब्लाउज पीस मिल जाएगी। और इसकी विड्थ भी बहुत ही अच्छी है, पूरा साड़ी में सेम टू सेम प्रिंट आपको मिल जाएगी। देखिए पूरा प्रिंट ऐसी है, और इसके साथ ना रेड कलर की एक ब्लाउज पीस है। तो मैंने ना पहले मैंने बताया लिए थे, कहाँ रख दिया मुझे अभी मालूम नहीं पड़ रही है। तो रेड के साथ मतलब इस टाइप की जो कलर है ना, इसके साथ आपको कलर कॉन्ट्रास्ट में सॉलिड कलर में ब्लाउज पीस मिल जाएगी। बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, अच्छी है, मुझे बहुत ही पसंद आई है। इस टाइप की लाइट कलर और समर के लिए तो बहुत ही अच्छी है, आप ले सकते हो। डेली पहनते हो तो आप ले सकते हो, ऑफिस के लिए भी आप ले सकते हो। लेकिन मैं और भी बात बता दूं, कॉटन फैब्रिक आप ऑफिस के लिए लेना चाहते हो, पहन के जाना चाहते हो, थोड़ी बहुत मेंटेन आपको करना पड़ेगी, ऐसे नहीं होगी आप धुलने के बाद आपको प्रेस वगैरह लगानी पड़ेगी, ये सब कुछ करना पड़ेगा। और कलर जितनी भी साड़ीज है ना, इसके कलर के बारे में कोई भी मैं गारंटी नहीं दे सकती, आपको खुद सोच के लेना है कलर, क्योंकि कॉटन में ना थोड़ा बहुत कलर निकलते हैं। तो इस कलर आप पसंद करो, उसे सोच के लो, मैं कुछ भी नहीं बता सकती। प्राइस है इसमें साड़ी अच्छी है, घर के लिए भी अच्छी है, इधर उधर जाने के लिए भी अच्छी है, सॉफ्ट फैब्रिक है, गर्मी के लिए भी बहुत ही अच्छी है, आप चाहो तो इसे भी ले सकते हैं। दोस्तों आप मेरा वीडियो देखना पसंद करते हो, मुझे पसंद करते हो, तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दिल पे थोड़ी सी जगह मुझे भी दीजिएगा। नेक्स्ट मैं शेयर करती हूँ बहुत ही खूबसूरत मलमल हैंड ब्लॉक पिन साड़ी, तो चलिए आप खोल के देखते हैं। चलिए इसकी पल्लू से स्टार्ट करते हैं। इसकी भी पल्लू देखिए बहुत खूबसूरत इसकी पल्लू मिल जाती है। देखिए इस टाइप का आपको, देखिए इसी टाइप का आपको प्रिंट मिल जाती है पल्लू में। पल्लू का प्रिंट बहुत खूबसूरत लग रही है मुझे, और इसमें रेड के साथ ब्लैक की कलर कॉन्ट्रास्ट दिए गए हैं। देखिए इस टाइप की आपको बॉर्डर मिल जाती है, और नीचे के साइड पे भी आपको सेम टाइप की बॉर्डर मिल जाएगी। इसके प्रिंट देखिए इस टाइप की आपको प्रिंट मिल जाती है, पूरा ऐसे डिजाइन है, पूरा इसी टाइप की आपको प्रिंट मिल जाएगी। 5.5 मीटर की साड़ी है, और 80 सेंटीमीटर तक आपको ब्लाउज पीस मिल जाएगी। देखिए ऐसी है, बहुत ही अच्छी लग रही है साड़ी, इसको विड्थ भी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, और पूरा साड़ी में ऐसी मिल जाती है, और पीछे की तरफ आपको सॉलिड कलर में ब्लाउज पीस मिल जाएगी, ब्लैक कलर में, पूरा सॉलिड कलर में, कॉटन मलमल फैब्रिक है, सॉफ्ट फैब्रिक है। ये साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है, इधर उधर जाने के लिए भी आप ले सकते हो, और कॉटन मलमल साड़ी है, और इसे सिल्वर ज्वेलरी के साथ स्टाइल कर सकते हो, स्लीपलेस ब्लाउज के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है, और गर्मी के लिए तो बेस्ट रहती है। मैंने कहा कलर के बारे में कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मैं कलर के बारे में मेरे एक्सपीरियंस में शेयर करती हूँ। मैंने देखा ना थ्री टाइप की कलर छोड़ती है साड़ी रहती है, जिसमें आप लकी हो तो कलर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, और दूसरा रहती है दो तीन बार वॉश के टाइम पे ना कलर छोड़ती है, फिर बंद हो जाती है, बिल्कुल भी कलर नहीं छोड़ती है, और एक टाइप की साड़ी रहती है जो हमेशा लाइफ टाइम के लिए कलर छोड़ती है। इसी टाइप को भी मैंने देखा, जब भी आप धुलने जाओ तो कलर भर भर के छोड़ेगी, ऐसी भी है। तो और मैं बताऊंगी, इस टाइप की आप कॉटन साड़ी यूज कर रही हो तो आप थोड़ी सी अलग करके उसे वॉश करना। दोस्तों आप अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको रील भी देखने को मिल जाएगी, पर्सनल अपडेट भी मिल जाएगी, और भी बहुत कुछ है जो मैं शेयर करती हूँ उसको भी देखने को मिल जाएगी। देखिए नेक्स्ट साड़ी बहुत ही खूबसूरत है, इक्का टाइप की इसके प्रिंट है, कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत ही खूबसूरत है, भी कॉटन मलमल फैब्रिक है, बहुत ही अच्छी है। देखिए इस साड़ी की पल्लू से स्टार्ट करते थे, बहुत खूबसूरत पल्लू में डिजाइन, रेड कलर के साथ कलर कॉन्ट्रास्ट में, और इसे देखिए इसके प्रिंट बहुत खूबसूरत है, ये भी कॉटन मलमल साड़ी है, भी अच्छी क्वालिटी की है, जैसा प्राइस ऐसे इसकी क्वालिटी है, लेकिन क्वालिटी अच्छी है। इस टाइप की आपको प्रिंट मिल जाती है, एक बॉर्डर भी आपको मिल जाएगी, और नीचे के साइड पे भी एक टाइप के रेड के चेक्स पैटर्न्स मिल जाएगी।
ये भी बहुत ही अच्छी है। जितनी भी साड़ी से ट्रेडिशनल प्रिंट है तो बहुत ही अच्छी है। पूरा साड़ी में सेम टू सेम 5.5 मीटर की साड़ी मिल जाती है और 80 सेंटीमीटर की आपको ब्लाउज पीस मिल जाएगी और इसकी विड्थ भी अच्छी है। और पीछे के साइड पे आपको ऐसे प्रिंटेड ब्लाउज पीस मिल जाएगी कलर कॉन्ट्रास्ट के साथ, इस टाइप की भी। इसकी फैब्रिक भी कॉटन मलमल फैब्रिक ही है। 80 सेंटीमीटर तक आपको ब्लाउज पीस मिल जाएगी। साड़ी अच्छी है, आप डेली पहनते हो तो भी ले सकते हो, इधर उधर जाने के लिए भी ले सकते हो। अच्छी है साड़ी, जो प्राइस है इसमें अच्छी लगी मुझे, आप चाहो तो इसे भी ले सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट साड़ी मैं शेयर करने से पहले मैं बता दूं, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट्स आए थे मैं कैसे साड़ी को कॉटन साड़ी को मेंटेन करती हूँ, वॉश करती हूँ, तो मैंने कहा था नेक्स्ट कॉटन साड़ी के हॉल वीडियो में जरूर मैं बताऊंगी। फर्स्ट टाइम मैं मुझे कोई साड़ी वॉश करना है तो मैं नमक के पानी में इसे भिगो के रखती हूँ। ऐसा कोई और कोई करते हैं क्या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं करती हूँ थोड़ा ज़्यादा नमक दे के मैं उसके भिगो के रखती हूँ। 5 to 10 मिनट से रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती हूँ। देखिए मैं ऐसे क्यों करती हूँ, मैंने बहुत पहले ना एक बातनी की जो पेंट आती है वो कैसे तैयार करती है उसके मैंने कोर्स एक कंप्लीट की थी, गवर्नमेंट की कोर्स थी, मैं दिखाती हूँ लेके रखी मैंने। देखिए इस टाइप की बात, मैंने एक ट्रेनिंग लिए थे ऐसे डिज़ाइन करके कैसे इसको तैयार करते पूरा कॉटन मलमल के ऊपर। तो तभी ना मैंने मुझे टीचर ने कहा था जो कॉटन की जो फैब्रिक होती है ना उसकी जो कलर है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप नमक के पानी में उसे भिगो के रखती है तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो कलर उतनी नहीं छोड़ती है, उसकी कलर जो है ना पक्की हो जाती है। तो इसीलिए मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, ऐसे मैंने कहा और कोई करती है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं जब फर्स्ट टाइम वॉश करती हूँ ना थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नमक दे के मैं भिगो के रख देती हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं नॉर्मल पानी से उसे वॉश कर लेती हूँ। और एक बात मैं शेयर करती हूँ, कभी भी कॉटन की साड़ी में गर्म पानी मत डालिए तो बहुत ज़्यादा कलर निकल जाती है, इसलिए हमेशा ठंडे पानी से वॉश कीजिए, जो नॉर्मल पानी आती है उससे सूखने के लिए मैं डाल देती हूँ। उस दिन मैं डिटर्जेंट नहीं डालती हूँ, फिर नेक्स्ट डे मुझे बहुत ज़्यादा गंदा रहते हैं तो नेक्स्ट डे मैं डिटर्जेंट में वॉश करके उसे धुल लेती हूँ। लेकिन डिटर्जेंट के पानी में भी मैं भिगो के बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, ये भी मैं क्लियर कर दूँ। डिटर्जेंट के पानी को मैं रेडी कर लेती हूँ और उसमें भिगो के मैंने जैसे वॉश करती हूँ वैसे करके मैं उसको सूखने के लिए डाल देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ मैं अंदर। आप भी वॉश करते हो तो कॉटन की साड़ी को बिल्कुल भी मत छोड़ो, और ऐसे छोड़ दिया 2-3 घंटे के लिए तो और भी ज़्यादा कलर छोड़ देगी, जितनी भी कलर छोड़ रहे थे उससे भी ज़्यादा हो जाएगी, आपका कलर ख़राब हो जाएगी। और कलर कॉन्ट्रास्ट के साथ है, व्हाइट के साथ है, तो जितनी भी कलर है ना व्हाइट के साथ चिपक जाएगी और आपका साड़ी पूरा ख़राब हो जाएगी, तो जल्दी में आप वॉश कर लो। देखिए जो मैं बता रही हूँ मैं कभी कभी मैं पहनती हूँ, बाहर पहनती हूँ तो इसलिए मैं इतना मेंटेन कर लेती हूँ, नहीं तो बाहर जाऊँगी साड़ी को पहन के अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन सच बताओ तो मेरे घर पे जितनी भी साड़ी पहनते हैं मामी सासू माँ कुछ भी ध्यान नहीं रखते, डेली यूज़ करते हैं ना तो ऐसे भी कलर लग जाए कोई बात नहीं, सब मिक्स हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ती है क्योंकि कॉटन का फैब्रिक है, डेली यूज़ करती है, उनको सबके लिए ठीक है। लेकिन आप कभी भी यूज़ नहीं किया, आप बाहर पहनना चाहते हो तो थोड़ा बहुत आपको मेंटेन करना पड़ती है। और एक बात, मैं कभी भी कॉटन साड़ी को धूप में बिल्कुल भी नहीं डालती, क्योंकि धूप में आप डालोगे ना तो कलर जल्दी फेड हो जाती है। कॉटन की ड्रेस हो कोई भी साड़ी हो ज़्यादा देर तक धूप में रहती है तो कलर फेड हो जाएगी, आप खुद देखना। और आपको डालना है तो थोड़ी पानी सूख जाए तो आप वहां से उठा के आप अंदर छांव में कहीं पे उसको में लगा दो तो आपका साड़ी उतनी फेड नहीं होगी। और ऐसे मैं मेरे कॉटन साड़ी की मैं टेक केयर करती हूँ, लेकिन आप भी कमेंट्स करके जरूर बताओ आप कैसे कॉटन साड़ी की देखभाल करती हो, तो उससे थोड़ा बहुत जानकारी मुझे भी मिल जाएगी तो मैं भी उसी तरीके से कॉटन साड़ी की देखभाल करने की कोशिश करूंगी। दोस्तों और साड़ी को मेंटेन करने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ मैं सब कुछ बता दिया, मैं नहीं जानती उसके लिए कमेंट्स क्या क्या आएगा, लेकिन मेरे दिल पे कुछ भी छुपाया नहीं, सब कुछ मैंने बता दिया जो जो मैं करती हूँ। तो चलिए आप नेक्स्ट शेयर कर देखिए, ब्यूटीफुल कलर कॉन्ट्रास्ट के साथ हैंड ब्लॉक पिन कॉटन साड़ी, बहुत खूबसूरत इसकी कलर कॉन्ट्रास्ट लगी, मैं बहुत दिनों से इसे लेना चाह रही थी, तो चलिए अब खोल के देखते हैं।
कि इसकी पल्लू से स्टार्ट करते हैं। देखिए इस टाइप के कलर ना मुझे ये भी बहुत ही पसंद आती है, जैसे मुझे डीप कलर भी पसंद आती है स्टाइल करने के लिए, इस तरह से मुझे इस टाइप के लाइट कलर भी मुझे पसंद आती है, तो मुझे सिल्वर ज्वेलरी के साथ स्टाइल करने में मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए इसके पल्लू, देखिए इसी टाइप की आपको पल्लू मिल जाती है, सभी ट्रेडिशनल प्रिंट है। देखिए इसकी पल्लू देखिए कितनी खूबसूरत है, पल्लू बहुत ही अच्छी इसकी प्रिंट है और कलर कंट्रास्ट मुझे बहुत ही अच्छी लगी। कॉटन अच्छी है, सॉफ्ट कॉटन है। देखिए इसकी बॉर्डर भी ऐसे डिज़ाइन में आपको मिल जाती है और अंदर देखिए इसी टाइप की फ्लावर की पैटर्न आपको मिल जाएगी, पूरा प्रिंटेड है पूरा साड़ी ऐसे, और नीचे की साइड पे भी आपको सेम टाइप की बॉर्डर मिल जाएगी, देखिए ऐसी है। प्रिंट बहुत खूबसूरत है, जिनको थोड़ी लाइट कलर पसंद है उनको जरूर पसंद आएगी, लेकिन जिनको हर टाइम में डीप कलर पसंद है उनको नहीं पसंद आएगी क्योंकि बहुत ही लाइट शेड में है। देखिए इसी टाइप के पूरा साड़ी में सेम टू सेम प्रिंट आपको मिल जाती है, साड़ी अच्छी है और 5.5 मीटर की साड़ी, 1 मीटर तक आपको ब्लाउज पीस मिल जाएगी। देखिए पूरा भी ब्लैक कलर में, सॉलिड ब्लैक कलर के साथ आपको ब्लाउज पीस मिल जाती है, कॉटन फैब्रिक है ये भी अच्छी है, सॉफ्ट फैब्रिक। देखिए साड़ी सच में बहुत ही अच्छी लग रही है, मुझे बहुत ही पसंद आ रही है। जो प्राइस है इसमें साड़ी मुझे अच्छी लगी और इसकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी, इसके प्रिंट सब कुछ मुझे अच्छी लगी। और इसी टाइप की साड़ी आप डेली पहनना चाहते हो तो भी ले सकते हो, ऑफिस के लिए भी आप ले सकते हो, अच्छी लगेगी। अब इतना लाइट कलर पहनते हो तो क्वालिटी अच्छी है, जो प्राइस है इसमें क्वालिटी अच्छी है, प्रिंट भी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, समर के लिए बहुत ही अच्छी है, आप चाहो इसे भी ले सकते हो। दोस्तों मेरा वीडियो यहीं पे खत्म, लेकिन आप कमेंट्स करके जरूर बताओ कौन सी साड़ी आपको पसंद आई है और आगे आप किस टाइप की साड़ी आप देखना चाहते हो, कमेंट्स भी कीजिएगा। और मेरा वीडियो देखना पसंद है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।